हम अक्षत्रिय महाकुंभ यहाँ पर ननोता में है और यहाँ पर राजपूत समाज की यहाँ पे एक पंचायत आयोजित हुई है। राजपूत समाज की पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? हमारे साथ राजपूत समाज के लोग हैं सर, क्या निर्णय राजपूत समाज की मीटिंग में लिया गया? देखिए, आज एक महाकुंभ क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन यहाँ ननोता की भूमि में किया गया और यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वचन न जाई। और मैं मानता हूँ कि पंडाल में जितने भी लोग थे, जब अध्यक्ष जी ने कहा कि हाथ उठाएं और मुट्ठी बंद करें, तो किसी के हाथ नीचे नहीं था, किसी की भी मुट्ठी खुली नहीं थी। तो हम वचन जब भी दिया है, चाहे राम ने दिया हो उसने वचन निभाया है, कृष्ण ने दिया हो उसने वचन निभाया है, हमारे भीष्म पितामह ने वचन दिया उसने निभाया है। तो अगर आज हमने अपने नेता के लिए वचन दिया है तो ईमानदारी से वचन का पालन भी करेंगे। तो वचन के लिए कहां तक पाबंद होगा राजपूत समाज? पाबंद है, अध्यक्ष जी ने कहा है कि जहां भी भारत में जिस भी सीट पर भाजपा को कोई भी कैंडिडेट हराएगा उसका समर्थन राजपूत समाज करेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। तो किन किन लोकसभाओं के मौजूद यहाँ पर मौजूद क्षत्रिय समाज के लोग थे? यहाँ मंडल की तीनों लोकसभा के लोगों को बुलाया गया था और तीनों मंडल की लोकसभा से अलग भी हरियाणा से बाहर से बहुत सारे लोग आए और समाज के अंदर नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है, कल महिपाल सिंह मकराना को अरेस्ट कर लिया गया गुजरात के अंदर, क्योंकि वहां पर हमारी महिलाएं अपने समाज की लड़ाई लड़ रही थी और उन्हें उनसे बात करने के लिए जा रहे थे। तो ये जो तानाशाही सरकार कर रही है ना, अब आप ये देख रहे हैं ना, ये सब लोग अपने पैसे से आए। समिति के पास चंदे का पैसा था पानी पिलाने के लिए, पानी का पूरा नहीं पटा। समिति के पास चंदे का पैसा था खाना खुआने के लिए, उसका पूरा नहीं पटा। तो ये लोग अपना पैसा दे के तन मन धन से यहाँ आए थे और मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान राम पर, अपने अध्यक्ष जी पर और अपने समाज पर कि जो वचन आज इन लोगों ने यहाँ पर दिया है ये इसका पालन भी करेंगे। विरोध भाजपा का है या कैंडिडेट का है? अभी तक तो कैंडिडेट का विरोध था, हमने डिमांड रखी थी कि कैराना में आप उस गुज्जर का टिकट काटते हो जो जातिवादी नेता है, हमने डिमांड रखी आप कश्यप गुजरो हम जीता का भेजेंगे, हमने डिमांड रखी सैनिक गुजरो हम जीता का भेजेंगे, ऐसे ही यहाँ बालियान के यहाँ था आप किसी को टिकट दो हम जीता का भेजेंगे। लेकिन जब पार्टी ने हमें दरकिनार करा तो अब विरोध पार्टी का भी है। वोट किसे देंगे आप? यहाँ से तय हो गया है कि भाजपा को वोट नहीं देनी, तो क्षत्रिय समाज वोट किसे करेगा? ऐसा है, अभी एक महीना हो गया घर से निकले हुए हैं, अभी तो रात को सोना भी नहीं मिला, अब सोचेंगे जो भाजपा को रहा हम उसे वोट देंगे। अभी तो देखो मेरी बात सुनो, अभी तो सोने का मौका भी नहीं मिला। मेरी बात, ये सब एक बिरादरी के लोग हैं, राजपूत बिरादरी के लोग थे। हम 15 तारीख से यात्रा का प्रारंभ करके राजपूतों के गाँव में गए, राजपूतों का मन टटोल लिया हमने, हमें ये पता कि राजपूत तो चेहरा, लेकिन हम ना तो गए सैनियों में ना गए हम कश्यप में, लेकिन जाट समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज ये सब नजर टिकाए बैठे कि राजपूत क्या कहेगा। आज अगर राजपूत ने कुछ कहा है ना तो 36 बिरादरी हमारे साथ चलेंगे। आप लिख लो, आपके चैनल पे बता रहे इस बात को लिख लो, उधर तो गाजियाबाद में कुर्सियां खाली रही, कल देश का प्रधानमंत्री आ रहा था, केवल 5,000 कुर्सियों का प्रोग्राम राजपूतों के डर के कारण करा। बसपा से भी तो टिकट श्रीपाल राणा को मिलेगा? अगर श्रीपाल राणा जी फाइट में होंगे ना, अब तो हम फील्ड में जाएंगे, अगर हम पूरे तन मन धन से इस बात की कोशिश करेंगे, अगर 36 बिरादरी श्रीपाल के साथ, समाज के साथ होगी तो श्रीपाल को भी सीट निकलवा देंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा में विरोध है, आज विरोध विरोध हम तो संजीव बालियान तो हरावेंगे और हिंदा मलिक तो जितावेंगे। अच्छा, बस विरोध किस चीज का है वहाँ पे? कैंडिडेट से विरोध है, भाजपा से विरोध है। वहाँ पे तो गुज्जर ना अहंकारी आदमी है, इस भारत में आज लोग पैदा नहीं हुआ। वहाँ पे तो गुज्जर समाज का तो कोई है ही नहीं प्रत्याशी, वहाँ पे तो दोनों जाट है। तो क्या हो गया? संजीव बालियान अहंकारी है पूरा। आपने से बिरादरी बना ले, जो हमारी लड़ाई गुज्जर के लिए है, हमारी लड़ाई उस नेता के लिए है। एक बात बताओ, यहाँ गुज्जर सांसद है, जब वो चुनाव लड़ा उसे 5 लाख कुछ वोट मिले, उन वोटों में गुजरों के भी, राजपूतों के भी, जाटों के भी, सैनियों के भी, कच्छप समाज के भी, गडरिया के भी, छिम्पी के भी, सारी बिरादरों ने वोट दिए, तो सारी बिरादरी का नेता हुआ। अगर उसे एक बिरादरी का नेता बनना तो उसे गुज्जर बिरादरी का संगठन बनाएगा, उसका अध्यक्ष बनना चाहिए हमारे डाल, और खुले मन से अपने समाज की बात रखा है। तो विरोध केवल प्रदीप चौधरी का है, मीर भोज को लेकर, महिर भोज को लेकर, गुजरों से विरोध नहीं है। गुज्जर समाज से हमारा भाईचारा था, है। गुज्जर समाज अगर आज भी इस बात को अपनी गलती मान ले कि हाँ भाई इन लड़कों ने गलत करा, 29 तारीख में जो अपशब्द हमारे समाज के लिए, अच्छा बात बताओ, अगर कोई हमें ये कहेगा कि इन्होंने तो रियासत लेने के लिए अपने डोले दिए, तो हमारे मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचती क्या? इस देश में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, राणा संग्राम सिंह, इनके नाम ऐसे नहीं लिए जाते। 80-80 घाव इनके शरीरों पर तलवारों के थे, और तलवार भी आनी थी चौन सी बैठे 1.5 किलो वाली, 20-20 किलो की तलवारों के घाव थे लगे हुए। तो उस समाज को अगर आप ये कहोगे इन्होंने रियासत के लिए, राजपाट के लिए डोले दे दिए या समझौते करे, तो वो समाज मराया समाज नहीं है।
योगी जी भी तो इसी समाज से हैं, राजपूत समाज से, तो उनकी अगर वे कन्वेंस करें लोगों को तो क्या मानेंगे? योगी जी को आपने क्या नेट में क्या किया? मोदी जी ने योगी ने तो देखा आपने ना कर दिया सबसे हाथ में राम राम कर रही, योगी जी को ना कर दिया, इससे इससे राजपूतों को भारत से विलोन करने का काम चल रहा है और योगी जी को भी करने चल रहे हैं। जी बोल रहे जी जी ताऊ जी क्या जिला मेरठ गांव से छोड़ने बाहर है धर्मवीर सिंह अमेन, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और राजपूत समाज के साथ अपना जयकारा बोलते हैं, भारत माता की। विरोध क्यों कर रहे हैं भाजपा का? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ठाकुरों को टिकट नहीं मिला है और जब ठाकुर समाज को टिकट नहीं मिलेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये हमारा 5,61,000 वोटों से गाजियाबाद जीते हम। हम राजपूत थे, हमने जीता का दी, यही गलती का हमारी। हारने वाले को टिकट दे रहे, जो आदमी के खिलाफ पूरा समाज खड़ा उसका टिकट दे रहे, जो 6100 वोटों से जीतता उसका टिकट दे रहे, हमारी क्या गलती भाई? हम राजपूत है, यही गलती का हमारी। जब हमने 5,61,000 वोटों से वो सीट जिताई और आज नहीं 9 पर वो सीट हमारे लोगों ने जिताई राजपूतों ने। 45 साल लगातार गाजियाबाद की सीट का इतिहास रहा है, सरकार किसी की भी आई हो, मगर गाजियाबाद में जो छत्रियों ने राजपूतों ने जो वोट दिए हैं 84.5 लग दिए। हाँ जी हाँ जी 84.5 है, मगर वहाँ हमारे टिकट काटे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी विरोध है। पूरे भारत में, पूरे भारत में हम जो ये सिखा देंगे मोदी को कि टिकट कैसे बांटे जाते हैं। योगी जी को सिर्फ एक बस छोटा सा एक स्टेट देगा, एक टिकट उनकी नहीं मानना। एक नेता का उन्होंने दो टिकट मांगे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, संगीत सोम सुरेश राणा, मतलब शामली से या मेरठ से मुजफ्फरनगर, कहीं भी उनको नहीं सुना गया उनको, बल्कि ये कह दिया गया कि आपकी एडवाइस हम बाद में लेंगे। इनकी एडवाइस को हम समझ गए हैं कि ये हमें बिल्कुल साइड करना चाहते हैं, ये हमें बिल्कुल दबाना चाहते हैं, हमें राजनीति से हटाना चाहते हैं और हम इसका डट कर विरोध करेंगे और इन सारी सीटों को हराएंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे राजपूत समाज। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष मैं नीरज सिंह चौहान, इस यात्रा का उद्देश्य, इस महाकुंभ का उद्देश्य एक ही उद्देश्य था, जो जब हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करा जाएगा वो किसी भी पार्टी द्वारा या किसी भी समाज द्वारा, तब तब क्षत्रिय समाज एक होके उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी दूसरा समाज हो, क्षत्रिय समाज की अवहेलना करी, उनके महापुरुषों की अवहेलना करी, तो क्षत्रिय समाज ये महाकुंभ नहीं, हर जिले में महाकुंभ लगाएगा। इस कुंभ की आवाज आज दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच चुकी है, तो इस महाकुंभ से लामबंद होगा राजपूत समाज, एक तरफा लामबंद हो चुका है। क्षत्रिय समाज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे स्वाभिमान से जो है गद्दारी कर रही है, क्षत्रिय समाज से गद्दारी कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, लामबंद होगा क्षत्रिय समाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत हैं, योगी आदित्यनाथ का मुंह बंद किया हुआ है, ये कहा गया है जो हसल राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और योगी जी को इसलिए शांत किया हुआ है, जो हसल हमारे बाकी सांसदों का हुआ है, बाकी राज्यों में हमारे प्रतिनिधियों का हुआ है, वो हंस इन दोनों का ना हो जाए, इस वजह से वे दोनों मौन हैं कि अगली बारी हमारी ना हो जाए। चुन चुन के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा। मुजफ्फरनगर में भी तो विरोध है, मुजफ्फरनगर में क्यों विरोध है? मुजफ्फरनगर में विरोध है, एक समाज का व्यक्ति, एक समाज का व्यक्ति मुजफ्फरनगर के अंदर अपने समाज की बात करता है, जहाँ 36 बिरादियां लैंड पे यहाँ निवास करती है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एक समाज की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो एक समाज की लैंड है, नहीं, या कश्यप भी है, दलित भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, तो क्या मुजफ्फरनगर के अंदर एक ही बिरादरी के आधार पर आप जिताने काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? जो वो आते हैं अमित शाह जी, एक बिरादरी को लेकर संबोधन करते हैं, क्या क्षत्रिय समाज यहाँ निवास नहीं करता पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या दलित बिरादरी निवास नहीं करती? क्षत्रिय समाज के साथ 36 बिरादरी साथ होकर चलती है, और ये लोग केवल हमें भाई बंटवारे की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए इनका घोर विरोध करती है। तो किसे वोटिंग किसे करेंगे? जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, चीज का पता कैसे लगेगा? पता लग जाता है सबको, आपको पता, सबको पता है कि कौन किसे हरा रहा है, कौन किसे हरा रहा है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी ने ये बोला था कि ये जो और जो लोग हैं ये तो रियायत है, और जो ये हम हैं, हम किसान हैं, हम बहुत बड़े किसान हैं, हम दुनिया से बड़े किसान हैं, हम जो हम कर देंगे वो हो जाएगा, पश्चिमी में हो जो होगा हम करेंगे और तो कुछ नहीं होगा, अब पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं है। समाज को मजदूर बोला गया था, संजीव बालियान ने राजपूत समाज को मजदूर कहा था, तो अब पता चल जाएगा ना। 5 लाख वोटों से वीके सिंह आई बार जीतता था तो बीजेपी को दिखता नहीं था क्या राजपूत समाज बंद हुआ है?
कि परमानेंट वोट दे रहा है, फिर भी इन्होंने हमारे समाज के सभी नेताओं के टिकट काटे। वो भी छोड़ दो, स्वाभिमान यात्रा एक इसलिए थी, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। और इन्होंने कराया क्या, इन्होंने जिस नेता ने वहां पर बोला हमारे छत्राणियों के लिए और हमारे समाज के लिए उल्टा सीधा बोला, उसको इन्होंने दोबारा टिकट दिया। राजपूत समाज पूरे बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को खड़े कर देते, वोट परमानेंट देते। और जो इन्हें एक आदमी खड़ा कराया ना, जिसके लड़के ने है का उल्टा सीधा बोल लिया, वो अंशुमन है, जो अंशुमन है उसने प्रदीप चौधरी के लड़के ने अंशुमन ने बोल रहा ना, अब की बार ये हल करेंगे। याद पर्सन जो 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 हमारे ये जो प्रदीप चौधरी जी हैं, इनका कहना है कि मेरी बातचीत चल रही है राजपूत समाज से, बातचीत चल रही है। बातचीत कैसी, क्यों नहीं लाई युवा के राजपूत समाज के वरिष्ठ नागरिकों के आगे जोड़ के माफी मांगते, लाई युवा हो ना। और ये कहो आगे से कि मीर बोझ प्रतिहार जी ना, तो हम ये नहीं कहते कि कोई महान पुरुष क्षत्रिय है, क्षत्रिय समाज सबको होता है, समाज सबसे चलता है, मिलकर चलता है। और जो महान पुरुष है वो समाज सभी का है। हम ये नहीं कहते क्षत्रिय कहे कि क्षत्रिय को, ये कहो कि हिंदू समाज है, हिंदू समाज का है श्री मीर बोझ प्रतिहार जी। पर इन्होंने गुज्जर वर्ड यूज कर दिया, क्यों, महान पुरुष तो सभी के हैं, हम ये नहीं कहते राजपूत है। और इसके लड़के ने क्या कहा वहां पे छत्रियों के बारे में उल्टे सीधा बोल रहा था। और आगे फिर मुकेश चौधरी के आगे उन्होंने भी क्या क्या, अब की बार किसी को भी वोट नहीं देते यार, पर गुज्जर को तो देते नहीं भाई, सीधा साहब है। कोई भी राजपूत समाज जाए पूर्वांचल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और हरियाणा और आपका राजस्थान और आपका गुजरात, अब की बार इनको पता लग जाएगा राजपूत एकता क्या चीज हो। हाँ भाई, मेरा नाम है शिवा सिंह कछोली। कहाँ से हो? कछोली से, मुजफ्फरनगर विधानसभा। क्या क्या चल रहा है आपके यहाँ कछोली में? अब की बार राजपूत समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलेगा। आप तो युवा हैं, क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने कहा कि ये मुजफ्फरनगर जो है केवल केवल जाट लैंड है, जबकि आंकड़े उठाकर देखें कि वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में राजपूत हैं या जाट हैं। और उन्होंने कहा कि उनका एक विवादित बयान अभी सामने आया कि ये तो किसान तो जाट ही है, रियाया कौम है अधिकतर। मैं कहना उनसे एक जवाब देना, मैं उनको उत्तर देना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर के जट उठाकर देख ले, सबसे ज्यादा जमींदारी किसकी थी मुजफ्फरनगर में, उठाकर देख लो इतिहास, सबसे ज्यादा जमीन की जमीने किस पे थी। तो आप बीजेपी का युवा है, आप बीजेपी का विरोध में हैं? हाँ जी, खुला विरोध में है, जहाँ हमारे बड़े जाएंगे उनके साथ हैं हम। मैं एक बात को कह के बात को विराम देना चाहूंगा, आप भटे शीश कटे, आप घटे धरती फटे, शीश कटे कटे बख्तरा कोर, शीश कटे धड़ लटे जड़, जद छूटे जालोर। अब की बार क्षत्रिय समाज एक साथ है, एकजुट है, इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम क्षत्रिय समाज का युवा और क्षत्रिय समाज का बुजुर्ग करेगा। हाँ प्रीतम जी, आप तो समिति से कई दिनों से लगे हुए हैं, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है सामने, अब राजपूत समाज किस स्थिति पर है, किसे वोट करेगा? वोट जो है बिल्कुल साफ स्थिति है, बिल्कुल साफ निर्णय हो चुका है, हमें सिर्फ भाजपा के खिलाफ वोट गिरनी, पूरे मंडल में मुजफ्फरनगर में बालियान को हराओगे, कैराना में प्रदीप को हराओगे, सहारनपुर में बीजेपी के उम्मीदवार को हराओगे, हम अपनी ताकत दिखाओगे, बिल्कुल हमारा निर्णय है। भावनात्मक रूप से राजपूत समाज एक है, अब की बार राजपूत समाज एक है, मगर अभी थोड़ी देर पहले मंच पर थोड़ी गहमा गहमी भी हो चुकी थी, उसमें क्या क्या मामला हुआ था? वो उनकी सभ्यता का परिचय है, जो बसपा से उम्मीदवार है उन्होंने अपनी सभ्यता का परिचय दिया, वो अपने समाज में, अब वो समाज की नजरों में दूर हो गए और उनका मुश्किल है कि समाज उन्हें दोबारा अपनाए, सीधे शब्दों में बात है। तो बसपा कैंडिडेट यहाँ पर थे, उनका कोई विरोध था? विरोध तो पार्टी के लोगों का आमंत्रित था मंच पर, पार्टी के लोग कोई आमंत्रित थे यहाँ पे, अराजनैतिक लोग आमंत्रित थे, वो आए अच्छी बात है, अपने समाज में आए कोई बात नहीं। तो वोट किसा करेगा राजपूत समाज? राजपूत समाज तो सीधी बात है, जो भाजपा को हराओगा सपोर्ट करेगा, वो पूर्ण रूप से एकजुट हो गए, देसी भाषा में कह लो कि पूरी बिरादरी के सर जुड़ गए, अब पूरे मंडल में तीनों लोकसभाओं में जो है राजपूत बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने का काम करेगा, और हराना नहीं, बहुत बुरी हार देगा, बहुत बुरे मतों से हारेंगे, आप देख लेना। तो अभी कमेटी और चलती रहेगी, आपने जो कमेटी बनाई पूरी चलेगी जी, पूरी चलेगी, पहले 19 मई में अपने यहाँ पहले चरण का करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पूर्वांचल तक जाएंगे जी। पूर्वांचल तक का है जी, बिल्कुल इरादा साफ है, ठाकुर पूरण सिंह जी के नेतृत्व में राजपूत, योगी आदित्यनाथ तो कन्वेंस करने में लगे हैं राजपूत। ऐसा है, अब की बार सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है कि भाजपा के उम्मीदवारों को हराओ, अब की बार हम सिर्फ माफीनामा दे रहे हैं योगी जी के नाम पे कि बाबा जी अब की बार आप हमें माफ कर दो, विधानसभा के चुनाव में आप जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहेंगे, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार हमारे मान सम्मान की स्थिति की लड़ाई है, योगी जी के साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, पूरा समाज योगी जी के साथ जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप में, मगर लोकसभा का चुनाव का विरोध है। हाँ जी, किसे करेंगे वोट? वोट करेंगे जो भाजपा को हराएगा।
भाजपा को हराएगा, आज ही किसे करेंगे वोट? भाई साहब भाजपा को 100% हराना है, जिन्हें ले लिया पूरा पक्का कसम, अपने बच्चों तक की, बच्चों तक की कसम, बीजेपी को हरवाएंगे। इतने हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, हमारा तो खरीद दिया था लेकिन अब हमारे बच्चों का भी भविष्य बिल्कुल खत्म कर दिया। एक नौकरी राजपूतों के लिए फौज की थी, वो भी नौकरी अब अग्निवीर में बुझा दी। रिश्ते करने अभी 4 दिन पहले बात बता रहा, एक आदमी मुझे कहता भाई कोई लड़का बता मेरी लड़की के लिए। मैंने कहा मगा भाई फौज में चल जाएगा? उस आदमी ने कहा कि अग्निवीर नहीं चलेगा, पुराना चल जाएगा। अब बताओ जब जब हमारे बच्चे ही ऐसे, इनको मोदी जी तो कहते हैं रोजगार बहुत दिए युवाओं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इसी के स्टेटमेंट थे। एक बार स्टेटमेंट इसका यह था कि जनता के सामने इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनता हमारा यकीन कर ले। बताओ सबसे ज्यादा विदेश यात्रा किसने करी? मोदी ने। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला भारत का प्रधानमंत्री मोदी। जीएसटी किसने लगाई? मोदी ने। अग्निवीर योजना फौज की नौकरी किसने खत्म करी? मोदी ने। तो अब आप एक बात बता दो, और अभी और भी बता रहा है, भाजपा तो राजपूतों की पार्टी माननी जाती है, राजपूतों की पार्टी माननी जाती थी। आज आप पूरी भीड़ देखी यहाँ पे, गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर से लेकर, राम राम जी, गाजियाबाद से बुलंदशहर से लेकर राजपूत यहाँ तक सारा खत्म कर दिया बीजेपी पार्टी। क्या बीजेपी पार्टी को हमने इसीलिए खड़ा किया था? ये हमारे गर्दन काट दे। राजपूतों का इतिहास पहले से ही रहा कि देश को इतना ऊंचा उठा। तो संकल्प ले लिया? संकल्प पक्का जी, संकल्प ले लिया जी, बिल्कुल ले लिया सर। क्या संकल्प लिया? संकल्प ये लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसे सपोर्ट करेगा राष्ट्रपति, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। किसा करेंगे सपोर्ट? जो भारतीय जनता पार्टी है कैंडिडेट को हराएगा। नहीं, कैंडिडेट तो यहाँ पर दो हैं, एक गठबंधन सपा से है और एक बसपा से है। इसका धीरे धीरे जैसे चुनाव का डेट नजदीक आएगा, यहाँ से कैंडिडेट मजबूत जो है हमारे जिला सहारनपुर से, सहारनपुर से तो हमारा कैंडिडेट रहेगा इमरान मसूद, इससे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं है। एक आवाज पे वो 50,000 भीड़ आदमी की एक घंटे में इकट्ठी कर देगा। और आपके ननौता क्षेत्र से अगर किराना सीट पे अगर जीतेगी तो जीतेगी इकरा, तो इकरा हसन को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेगा। तो समाजवादी पार्टी रहेगी वो? पढ़ाओ, बीजेपी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई हो जाओ जी। जी किससे नफरत होगी? भारतीय जनता पार्टी से। सत्य क्या संकल्प लिया यहाँ से? संकल्प ये लिया भाजपा पार्टी के खिलाफ रहेंगे। अच्छा, तो नहीं कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा राजपूतों की विरोधी सरकार है, इसलिए वोट मोदी के खिलाफ। तो ये सरकार अभी लोकसभा में विरोधी हुई है क्योंकि विधानसभा में तो राजपूत सरकार की, राजपूतों कहीं सुनवाई नहीं करी इसलिए विरोधी हो गए। राजपूतों का दिन पर दिन शोषण हो रहा। क्या शोषण? सारा शोषण हो रहा, मीर भोज को लेकर शोषण है। नहीं, सीट भी तो लगवाई थी, यह मोदी की देन है, राजपूत पर सीट मोदी की देन है, मोदी की, इसका जवाब तो राजपूत देंगे। एससी एसटी कहाँ पे लगी? क्यों नहीं लगी? गांव बठेड़ी में लगी, गांव सबीरपुर में लगी, गांव तो खोड़ी में लगी, किस खुद में बताओ गाली लगी? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में। तो ये हमारे साथ यहाँ पर राजपूत समाज के लोग थे, इनका, हाँ जी, हाँ जी बताओ क्या आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जी, देखो जब बचपन से आरएसएस के कच्चे पहन के लट तो गए राजपूतों ने, सीट जब टिकट की बारी आई तो आरएसएस भी गायब, बीजेपी भी, पहली बात तो बीजेपी अब रही नहीं, अब तो दो ही आदमी रह गए, अमित शाह और मोदी, गारंटी मोदी की। योगी जी भी तो हैं? नहीं, योगी जी तो साइड लाइन लगा रखे, वो तो पीछे पीछे चलने वाले हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी है, लेकिन जब बनारस गए थे प्रधानमंत्री तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो पुल का उद्घाटन कर रहे थे योगी जी पीछे पीछे और मोदी जी आगे आगे, वो क्या दिखा रहे थे? वो दिखा रहे थे कि भाई तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, जो चलेगी मेरी चलेगी, मैं ही भाजपा में सर्वमान्य हूँ। तो स्वाभिमान को कहीं ठेस पहुंची? ठेस पहुंची है, ऐसा थोड़ा ना, हर सरकार बराबर होती है, हर मुख्यमंत्री की पावर होनी चाहिए, ये नहीं कि मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से ट्रीट नहीं करना चाहिए। हर मुख्यमंत्री अपने उसका प्रदेश का एक मालिक होता है, लेकिन मालिक की तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा।
दो आदमी आज के टाइम में भाजपा बिल्कुल खत्म कर दी, दो आदमी रह चुके अमित शाह और मोदी। मोदी की गारंटी तो मोदी, कौन थिल्ले में नाम मोदी, घर गारंटी देगा मोदी, हर चीज की गारंटी मोदी देगा तो आम जनता कहाँ जाएगी? जनता भी तो त्रस्त कर रखी उन्होंने, तो बिल्कुल वोट नहीं दे, बिल्कुल वोट नहीं, खुल गया करागा समर्थन है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर राजपूत समाज के लोग थे, यहाँ पर क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ आयोजित ननोता में क्या गया था, यहाँ पर इन्होंने एक संकल्प लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और बीजेपी को वोट के लिए एक शपथ भी इन्होंने लिया है, माँ शाकुंभरी देवी की यहाँ पर शपथ ली है कि हम यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।